अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आज है मंडे, मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और तमाम देखने वालों को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें। ख़ासतौर पर जो सैलाब से मुतासर अफराद हैं, उनके लिए लाजमी दुआ किया करें। और अभी हो चुके मॉर्निंग के स्टार्ट, तो सोचा कि आज मॉर्निंग में आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं लंच में स्कूल में क्या लेकर जाती हूं। तो ये देखिए, आपको प्लेट में कुछ टॉपिंग नज़र आ रहा होगा। ये टॉपिंग है चिकन, चिकन को मैंने कर लिया है श्रेड और इसमें मैंने थोड़ा सा मायोनीज, थोड़ी सी केचप डाल के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसका बनाऊँगी मैं, ये टॉपिंग का बनाऊँगी मैं सैंडविच। सैंडविच जो है ये बच्चों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हेल्दी भी है। और जो बच्चे लंच नहीं लेकर जाते, अगर माएँ दे देती हैं ज़बरदस्ती लंच, तो नहीं करते, वापस ले आते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त ये सिंपल और ज़बरदस्ती रेसिपी है। आप ये बनाएं और बच्चों को सैंडविच बना कर दें, बहुत पसंद आएगी बच्चों को और वो कभी भी वापस लंच लेकर नहीं आएंगे। और ये कुछ फ्रूट्स हैं, मैं लंच में अपने लिए फ्रूट लेकर जाती हूँ। सैंडविच जो है मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, मामा के लिए, और मैं फ्रूट्स लेकर जाती हूँ ज़्यादातर। जो है लंच में सुबह चाय पी लेती हूँ, साथ में ब्रेड सेक लेती हूँ और फ्रूट लेकर जाती हूँ मैं लंच में। चलें जी, शुरू करते हैं अपना सैंडविच बनाना। ये ब्रेड है जो कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसको मैं तवे पे कर लूँगी, अच्छा सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो इसका ज़बरदस्त सा लुक बन जाए। यहाँ मैंने डाल दिया तवे पे ऑयल और अब मैं इसको करूँगी अच्छा सा गोल्डन सा फ्राई, दोनों साइडों से ब्रेड को कर लें फ्राई कुरकुरा सा। तो ऐसे जो है सैंडविच भी बहुत ज़बरदस्त सा बन जाता है, आप देखिएगा। मैं इसको अच्छा सा कुरकुरा सा फ्राई कर लूँगी। मैं फ्रूट लेकर जाती हूँ, मुझे ख़ुद भी बहुत पसंद है फ्रूट और मेरे दोनों बच्चों को भी पसंद है। तो लंच में मैं अपने लिए स्कूल दायर से, जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जॉब करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं लेकर जाती हूँ अपने लिए लंच और समामा के लिए भी लंच में रोज़ाना। वैसे मैं उससे पूछ कर बना लेती हूँ क्या खाना है रात में, तो उसने मुझे रात में बोला था मम्मा आप मेरे लिए सैंडविच बना दीजिएगा। देखें ब्रेड को मैं कर रही हूँ फ्राई, देखें आपको नज़र आ रही होगी, ज़बरदस्ती कर चुकी हूँ मैं ब्रेड फ्राई। और ये बहुत ज़बरदस्त सा जो है सैंडविच हमारा बनने वाला है इंशाल्लाह। जो माएँ परेशान होती हैं कि बच्चे लंच लेकर जाते हैं लेकिन फिनिश कर नहीं आते, वापस ले आते हैं या जंक फूड खाना पसंद करते हैं, तो ये भी एक समझे हेल्दी ही है, अपने मतलब थोड़ा तसल्ली होती है कि चलो कुछ तो अच्छा खा रहे हैं। तो आप ये लाजमी लाजमी रेसिपी ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी बच्चों को। जो नहीं लंच फिनिश कर आते वो करेंगे। देखें आप ब्रेड की, देखिए कितनी क्रिस्पी से मैंने इनको अच्छा से इनको सेंक लिया है और आपको नज़र आ रही होंगी। अब मैं इसको जो है देखिए फिलिंग करती हूँ, इसकी फिलिंग करके मैंने दिखा दी, इसको मैंने अच्छे से फिल कर लिया है। अब इसका दूसरा पीस भी मैं इसके ऊपर रख दूँगी और फिर इसको दोबारा से जो है मैं अच्छे से सेंक लूँगी। फिलिंग मैंने अच्छे से की है तो आप भी कोशिश करें फिलिंग अच्छे से करें। और ये मैंने बनाई है चिकन, रात का सालन, मैंने चिकन का सालन बनाया था तो उसी में से मैंने चिकन निकाली, स्पेशली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोचें कि बहुत खर्चा होगा ये वो, नहीं कुछ भी नहीं, रात का आपने सालन बनाया चिकन का, उसी में से चिकन निकाल लें, उसको श्रेड करें। अगर बच्चे को आलू पसंद है, आलू का बना लें आप, उसमें केचप डाल लें, थोड़ा मायोनीज डाल दें और उसको मज़ीद टेस्ट बनाने के लिए अगर उसको पसंद है काली मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक, बस ज़बरदस्त बन गया। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा और इसको स्पाइसी बहुत और ज़बरदस्त बनाना चाहते तो इसमें आप जो इसमें सैलेड के तौर पे जो है खीरा रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं। तो अब देखें इसको मैंने पीस कर लिए, इसके चार पीस बना लिए और अब इसको मैं खाने के लिए दे दूँगी। ज़बरदस्त हमारा ये बनकर तैयार है और तमाम माएँ जो हैं परेशान रहती हैं, सब के लिए ज़बरदस्ती रेसिपी। आप चिकन का बना लें, आप अगर को कीमा बनाया है कीमे का बना लें, अगर आपके पास नहीं मौजूद है तो आप बड़े के गोश्त का सालन से बोटी कोई भी मतलब गोश्त के किस्म में, अगर मछली पड़ी है तो मछली बच्चे नहीं खाते, आप इस तरह सैंडविचेस में दे दिया करें तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। मायोनीज के साथ और इसके साथ केचप के साथ मिलकर मछली की स्मेल भी कम हो जाती है। तो ये ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं। आज उन सब माओं की परेशानी का हल मैंने आपके सामने पेश कर दिया है कि जिनके बच्चे लंच लेकर नहीं जाते, और अगर आप नहीं ये चीज़ कर सकते तो जैसे कि मैंने आपको नूडल दिखाया, नूडल का पैकेट, आप नूडल को जो है बना के वो इसके अंदर एज ए सैंडविच आप रख सकते हैं। मतलब कोई भी तरीके, बस थोड़ा सा तरीका यूज़ करना होता है बच्चों की पसंद के मुताबिक, चीज़ पसंद आपकी लेकिन खाएँगे बच्चे शौक से, आपके चिल्ड्रन खाएंगे।
और चले जी, स्कूल का टाइम हो गया, फ्रूट्स मैंने कट कर लिए अपने लिए, एप्पल लेकर जा रही हूँ मैं और अब्दुल हादी, दोनों एप्पल खाएंगे, नाश्ते में चाय बनेगी। तो बस ये छोटी सी रेसिपी थी, मैंने सोचा कि चले सुबह सुबह आपके साथ शेयर कर दो, सुबह में इतना टाइम भी नहीं होता कि बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनाई जाए। बहरहाल ये समामा का लंच तैयार है और ये मेरा लंच तैयार है और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपनी छोटी सी रेसिपी जो मैं आपके सामने शेयर करना चाह रही थी वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद।